सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की, गंगा मैया की जय। बहुत ही सुंदर संस्कृति के अंग, भारतीय संस्कृति के वंशजों की ये धरती, त्रिवेणी के तट पर बैठकर भगवान के भक्तों को लेकर और भगवान के कार्य में सहयोग देने वाले हमारे विशिष्ट अतिथियों का हम नारायण सेवा संस्थान परिवार की इस व्यासपीठ से भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निसंदेह हमारे विशिष्ट अतिथियों के मुखारविंद से आज जो वाणी निसृत हुई है, ये कोरे शब्द ना होकर उनके अंतस्थल से निकले हुए उद्गार हैं। अगर आप इस समाज को गहराई से देखें तो समाज में हमें तीन तरह के वर्ग मिलते हैं। एक है सामान्य वर्ग, एक है मध्यम वर्ग और तीसरा है प्रबुद्ध वर्ग। सामान्य वर्ग किसे कहते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत वो समाज आता है जो नित्य प्रति अपनी दैनंदिनी कार्य संपन्न करता है, तीन समय का भोजन जुटाता है और आराम से सो जाता है, जिनके जीवन की मात्र चंद ही जरूरतें हैं कि घर में भोजन हो, तन पर वस्त्र हो और रहने को मात्र छत हो। एक दूसरा वर्ग वो है जो मात्र तीन समय के भोजन से संतुष्ट नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान नई नई तकनीकों के माध्यम से जितने नए नए आविष्कार कर हमें नए नए उपकरण उपलब्ध करवाता है, वो उन तमाम उपकरणों के द्वारा आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं। वो वर्ग ये चाहता है कि दुनिया के तमाम सुख हमें मिले। लेकिन एक तीसरा वर्ग है जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं। इस वर्ग में वो लोग आते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, जो समाज के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, जो स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने का जज्बा रखते हैं। और नारायण सेवा संस्थान परिवार के अंग बनने के पीछे भी हमारा यही औचित्य प्रमुख रहा। ये अपने लिए नहीं जीता, ये उनके लिए जीता है जिन्हें सहारों की जरूरत है। ये परिवार उन लोगों के लिए भरसक प्रयासरत है, उन लोगों के लिए एक आधार भूमि तैयार करता है जिसके माध्यम से वो उनके लिए कुछ कर पाए, उन्हें जीवन जीने का साधन जुटा पाए। जैसे आपने श्री राम कथा के अंतर्गत सुना भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र, जब लंका तक पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण हुआ, हनुमान जी भी पत्थर जोड़ने में लगे हैं, नल और नीर इस कार्य में सहयोग दे रही है, कुशल इंजीनियर की तरह सेतु निर्माण में उनकी विशेष सहभागिता है। पुल का जब निर्माण हो गया तो उसी समय सुग्रीव अपने अन्य मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के पास आते हैं, कहने लगे प्रभु सेतु तो निर्मित हो गया लेकिन ये सेतु तो बहुत छोटा है और सेतु को पार करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। भगवान ने कहा चिंता किस बात की। प्रभु श्री राम उस सेतु पर खड़े हुए और एक महान पुरुष के मुख से मैंने ये सुना है, जैसे श्री राम जी सेतु पर खड़े हुए तो जितने भी जलचर जीव थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए जल से मुख बाहर निकाल कर आ गए, अपने राम को देख रहे हैं, और जितना जलचर
जीव थे उन्होंने सारे जल के भाग को ढक लिया और छोटा सेतु मानो विशाल सेतु में परिणत हो गया। और प्रभु श्री राम जी के लिए आज छोटे छोटे जीवों ने अपना सेवा कार्य अर्पित कर दिया। ये बिल्कुल वैसे था जैसे जैसे मैंने नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक संचालक महामंडलेश्वर कैलाश मानव जी के बारे में सुना। उन्होंने जो प्रयास किया दिव्यांग लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक अपनी सहायता, अपना उपचार पहुंचाने के जो उनके प्रयास थे, उन्होंने जो शुरुआत की वो एक छोटा सा सेतु था। बुद्ध वर्ग तुम्हारे साथ जुड़ेगा और तुम सारी मानव जाति का कल्याण कर पाओगे और ये विशाल सेतु निर्मित हो गया। श्री राम जी के द्वारा निर्मित वो सेतु, उसके द्वारा अधर्म का विनाश हुआ और धर्म रूपी बहुमूल्य रत्न की स्थापना हुई। बिल्कुल ऐसे उन जलचर जीवों की तरह आप अपनी भूमिका निभाइए, क्योंकि यहां नर की सेवा ही नारायण सेवा मानी गई है। आप एक जलचर जीव बनकर, भगवान का प्रतिनिधि बनकर अगर आप इस परिवार से जुड़ते हैं और समाज सेवा के कार्य में सहयोग देते हैं, तो ये राम का कार्य माना जाएगा। और राम का कार्य करने वाला कोई साधारण नहीं, हनुमान बनता है और प्रभु का दूत बनता है। और इस कली काल में आपको ये सौभाग्य मिल सकता है, इस परिवार के समाज सेवा के कार्यों में जन जन तक अपनी सेवा पहुंचाने में आप आगे बढ़िए, प्रबुद्ध वर्ग का अंग बनिए। समाज में शहीद भगत सिंह जैसी महान विभूतियाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जैसी महान विभूतियाँ हुई, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, इतने प्रतिष्ठित महान विभूतियाँ जो इस धरती पर हुई, आज उनका नाम हमारे मुख पर क्यों है? सोचने का विषय है। उनका नाम हमारे मुख पर इसीलिए आता है क्योंकि वो ना तो सामान्य थे ना मध्यम थे, वो प्रबुद्ध थे जो दूसरों के लिए जी कर चले गए। और प्रबुद्ध वही बनता है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए कार्य करता है। मैंने अपने गुरुदेव से एक बात सीखी बहुत सुंदर। उन्होंने मुझे पहले समाज सेवा के कार्यों में उतारा और तब यही कहा था, अगर मानव जाति के कल्याण के लिए तुम्हें हाथ फैलाना पड़े तो झिझकना मत। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज, परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। इसलिए इन दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़िए। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को जो ये कथा सुना रहे हैं, ये सुखदेव मुनि जी महाराज जी का पुरुषार्थ ही तो है और साथ ही साथ उनका ये परमार्थ भी है। कथा हमेशा जीवों के कल्याण के लिए की जाती है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए की जाती है। ऐसे ही जब से सृष्टि बनी तब से संतों महात्माओं की कथा की ज्ञान गंगा यूं ही बहती रही, ऐसे ही प्रवाहित होती रही। सृष्टि के संचालन कार्य के लिए विभाग बने और ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रजापति दक्ष को समस्त प्रजापतियों का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, एक अधीक्षक नियुक्त कर दिया। प्रयागराज में प्रजापति दक्ष निवास कर रहे थे। इसी प्रयागराज की धरती पर, इस त्रिवेणी के धरती पर, उसकी गोद में हम सभी जिस प्रकार कथा रस का पान कर रहे हैं, ऐसे ही प्रजापति दक्ष ने इसी प्रयागराज में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और यज्ञ में उसने सभी को निमंत्रण भेजा और सभी को आमंत्रित किया। सभी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, सभी अपने अपने स्थानों पर आसीन हैं, सभी सभी अपने स्थानों पर अध्यासीन हैं। और उसी समय भरी सभा में प्रजापति दक्ष ने जैसे ही प्रवेश किया, उनके सम्मान के लिए सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और जानते हो, खड़े होने वाले व्यक्तियों में से सभी प्रजापति दक्ष के प्रति भाव अर्पित कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी विभूति थी जो अपने ही आनंद में मग्न बैठी रही। और वो विभूति कौन थी? नीलकंठधारी हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ वहां पर बैठे हैं
और प्रजापति दक्ष देख रहे हैं मेरे सम्मान में कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन बैठा है। और जैसे उनकी दृष्टि भोलेनाथ पर पड़ी तो प्रजापति दक्ष आवेश में आ गए और कहने लगे, अरे निर्लज्ज, तूने समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूलि में मिला दिया है। तूने मेरी सावित्री सरी की कन्या का अग्नि के समक्ष पाणी ग्रहण किया था, इस नाते से तू मेरा पुत्र बनता है और पुत्र होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य बनता था कि मेरे स्वागत में तुम खड़े हो जाते या ससुर प्रति भाव रखते या पिता के रूप में भाव रखते, लेकिन तुम सम्मान नहीं कर पाए। लगता है शमशान की राख लगा लगा कर तुमने अपनी बुद्धि को शमशानी बना लिया है। भूत प्रेतों के साथ रमण करता है, भूत बड़े प्रेतों के साथ निशाचरों के साथ तू विचरण करता है। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम लोक मर्यादा का ज्ञान भी भूल गए हो। आज प्रजापति दक्ष ने हमारे भोलेनाथ का बहुत अपमान किया, लेकिन हमारे भोलेनाथ वो तो मान अपमान से कोसों दूर है। वो शांति से मानो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। और फिर प्रजापति दक्ष ने कहा, मैं मूर्ख था जो ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैंने अपने पुत्री तुम्हारे साथ ब्याह दी और उसे ब्याह करने की स्वीकृति दी। अच्छा होता कि मैं तभी तुम्हारा निरादर करके अपने द्वार से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। और अब जैसे ये बात बोली तो उसी समय भगवान शिव के साथ आई नंदी इस प्रभु के अपमान को सहन नहीं कर पाई। नंदी ने कहा, बस प्रजापति दक्ष, अब एक भी अनर्गल प्रलाप देवों के देव महादेव भोलेनाथ के प्रति किया तो फिर तुम नंदी के क्रोध के भाजन बनोगे। और आज जिस मुख से तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है, ये मुख स्वयं बता रहा है कि तुम अभिमान में हो, तुम अभिमान के मद में चूर हो चुके हो। और अभिमानी का मस्तक हमेशा कटता ही कटता है। और जिस मुख से तुम मैं कर रहे हो, एक दिन ये मुख बकरे का मुख हो जाएगा। जैसे नंदी ने ये बात कही तो भोलेनाथ ने कहा, नंदी, तुम्हारे मुख से ये निंदा और अपशब्द शोभा नहीं देते। तुम किसके भक्त हो, भोलेनाथ के, महादेव के? जब महादेव मान अपमान से कोसों दूर हैं, तो तुम क्यों मेरे अपमान को अपना अपमान मान बैठे हो? अरे पाप तो मुझे छू नहीं सकता और अपमान मेरा कभी हो नहीं सकता। मान अपमान का प्रश्न उसके लिए होता है जो जन्म और मरण के बंधन में हो। मैं तो ठहरा अजन्मा, अविनाशी, जिसका कोई नहीं लेकिन वो सबका है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया लेकिन जिसने सबको पैदा किया और अपने भीतर समाने का सामर्थ्य रखता है। प्रजापति दक्ष अगर रुष्ट है तो क्या, ये मुझे यज्ञ का भाग नहीं देंगे तो क्या? मैं ही तो यज्ञ हूँ, यज्ञ की अग्नि भी मैं हूँ, यज्ञ का होता भी मैं हूँ और यज्ञ का सर्वस्व मैं हूँ, यज्ञ की कुशलता मैं हूँ, यज्ञ को सफल भी मैं करता हूँ और सारा यज्ञ मुझसे निकलकर मुझ में समाहित हो जाता है। नंदी, मुझसे ये दुनिया अलग है ही नहीं, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा कर्तव्य तो अपने इष्ट अपने प्रभु का महिमा गायन करना है। तुम अपने प्रभु के भजन सुमिरन में लीन होकर अपने मन को शांत करो और हम चलते हैं अपने धाम शिवलोक में, वही हमारा लोक है, वही सबका धाम है। और नंदी, महादेव के मार्गदर्शन में आज उन्हीं के भजन में लीन अपनी सुख बुद्ध खोए क्या गा रहा है, आइए श्रवण करते हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे तू ही तू, श्रद्धा सुमन में
बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन अनंत कहानी है तू स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है पार तेरी पूजा मेरा जीवन आरा फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे Oh,
जीवन चर्या वैसे की वैसी बन गई। इस घटना को थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था। ब्रह्मा जी ने दक्ष को जब सारी प्रजा का पति प्रजापति बनाया, उसके पश्चात अब उसे दूसरा पद मिला, उसे सारे प्रजापतियों का भी अधिपति बना दिया। इस पद के मिलने से दक्ष का अभिमान पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। क्या कहते हैं, पद मिलते ही व्यक्ति में मद का संचार हो ही जाता है। व्यक्ति को पद मिलने की देरी है, उसका व्यवहार बदलेगा, उसकी चाल बदलेगी, उसका स्वभाव बदलेगा, और पद और मद में साम्य होता है, आप जानते हैं कैसे। सत्य बोला है, आप जानते हैं। मैं आपको एक कोरा कागज देती हूँ और साथ में सभी को एक एक लेखनी देती हूँ। आपको सबसे पहले काम देने जा रही हूँ। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको हिंदी शब्दकोश, हिंदी व्याकरण अक्षर ज्ञान का ज्ञान है, तो आप उस कोरे कागज से कलम के द्वारा लिखिए पद। कैसे लिखेंगे? पहले प डालेंगे, फिर द डालेंगे, तो क्या बना? पद। चलिए इसी पद शब्द के साथ एक नया खेल खेलते हैं। मैं आपको एक काम देती हूँ। आपने सभी ने पद शब्द लिख लिया और मैं कहती हूँ अब पद की जगह मद लिखना है, लेकिन नया शब्द नहीं लिखना, पद को ही मद बनाकर दिखाओ। पद शब्द में ही हलचल मचाओ अपनी लेखनी के द्वारा, और पद मद में बदल जाए तो क्या करेंगे आप? जानते हैं, आप प के पैर में थोड़ी सी घुंडी बढ़ाएंगे, उसको यूं करेंगे, प को म में परिणत करेंगे, पद मद में बदल गया। ये अक्षर विज्ञान की कला तो है ही, जीवन का सत्य भी है। होता क्या है, व्यक्ति का कद वो ही होता है। जिसको पद मिलता है उसका कद मान लो 4 फुट 6 इंच या 5 फुट 2 इंच, कद वही होगा, लेकिन वो व्यक्ति कुर्सी की ऊंचाई को अपनी ऊंचाई मान बैठता है, कुर्सी के कद को वो अपना कद मान बैठता है, और पद मद में बदल जाता है। यही हमारे जीवन में अपने आप को समाज सेवक कहने वाले और अपने आप को देश का नेता कहने वाले आपको कई लोग मिलेंगे। चुनावों से पहले वोट दीजिएगा। क्यों जी, हुआ था ना आपकी वोट, आप प्लीज हमें वोट दीजिए।
क्या स्वभाव है? कुर्सी मिली, व्यस्त हुए, तू कौन और मैं कौन? क्योंकि पद मद में बदल चुका है। कुछ विरले लोग होते हैं जो अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य को समझते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, नेता कैसा हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हमारे शरीर में मुख हमारा क्या काम करता है? भोजन किया सभी ने? जिसने किया हाथ खड़ा करे। किया। हाथ से आपने कोर तोड़ा, कोर कहाँ गया? मुख में। चबाने का काम किसने किया? दांतों ने। और उसे गलाने में जीहवा ने, स्लाइवा ने पूरा सहयोग दिया, और जीभ ने फिर सहयोग लेते उस भोजन को अंदर ढकेल दिया। जीहवा भी मुख में है, दांत भी मुख में है। आप देखिए, भोजन के लिए सारा काम मुख करता है, लेकिन मुख की कार्य प्रणाली से सारे शरीर का पोषण हो जाता है। अगर मुख कहे कि मैंने भोजन को चबाया है और मेरी जीवा ने स्लाइवा दिया है, भोजन को उसी ने ढकेला है, मेहनत तो हमने की, हम टांग को भोजन क्यों दे, हम हाथ को भोजन क्यों दे, हम घुटने को एनर्जी क्यों दे? ऐसा कभी हुआ? मुखिया का कार्य है मेहनत करे समाज के लिए। अगर मुखिया बनकर सामने आए हो, अगर नेता हो, तो नेता का अर्थ कभी भी भ्रष्ट शासक नहीं होता, नेता का अर्थ ही समाज सेवक होता है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को सिंहासन दिया था, कहा था चाणक्य ने उस समय चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त अपने आप को मात्र गद्दी का राजा मत मानना, और अगर किसी प्रजा के अधिकार का हनन किया, उसी दिन मैं तुझे सिंहासन से उखाड़ कर नीचे फेंक दूंगा, मैं तुझे सेवक बनाकर यहां पर नियुक्त कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथु को जब ऋषियों ने राजा बनाया, तो पृथु से यही बात कही, तू देश का सेवक है, प्रजा का सेवक है, और सेवक कभी अपने प्रजा रूपी स्वामी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करता। सेवक का कार्य प्रजा का पोषण करना है। यही बात छत्रपति शिवाजी से एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने कही थी। समर्थ गुरु रामदास जी भिक्षाटन के लिए चल पड़ते, जगह जगह से जाते, और समर्थ गुरु रामदास जी के जीवन में एक ऐसी स्त्री भी आई जिसने एक बार उनके मुख पर कपाट तक जड़ दिया कि जाओ कहीं और से लो। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मेरा सब कुछ आपका है, और इतना कुछ होते हुए आपको दर बदर भिक्षा क्यों मांगनी पड़ती? सब कुछ आप मेरे से ले लो, लेकिन भीख मत मांगा करो। उस समय उनके गुरुदेव ने कहा था, मैं भीख इसलिए नहीं मांगता कि मेरे पेट लगा है, लोगों के अंदर दान देने का संस्कार बना रहे, इसलिए द्वार द्वार इनमें संस्कार पैदा करता हूं, खिलाने को मेरा शिवा पर्याप्त है, मुझे बहुत कुछ दे सकता है। नारायण सेवा संस्थान परिवार इतने समय से काम कर रहा है, इतना तो समर्थ है, इतने लोग तो इन्हें जानते हैं कि ये अनेकों लोगों का उपचार कर पाए, लेकिन हम में दान का संस्कार बना रहे। उन्हीं ऋषि मनीषियों के दिव्य उपदेशों को धारण किया, ये सबका आह्वान करता है कि दान का संस्कार पैदा करो, और आप भी समाज की सेवा करो, समाज की सहायता करो, आपका सहयोग आपके खाते ही लिखा जाएगा। ये प्रेरणा है, ऋषियों की प्रेरणा, जो इस मंच से, इस परिवार से अलग जगा रही है कि आप ऐसे बच्चों का जो बाहर अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिनके माता पिता गरीबी की आग को झेल रहे हैं, आप उनका सहारा बन सकते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ को उठा सकता है।